हेलो एवरीवन। देखिए, आज से जो है हम लोग डीआई की सीरीज स्टार्ट करने वाले हैं 2023 के लिए। प्रीवियस ईयर भी डीआई की सीरीज आई थी 2022 में, और टोटल जो है हमने 50 सेट कराए हुए थे। इस टोटल 50 सेट में जो है कुछ सेट ऐसे थे जो कि सिंपल थे। सभी सेट में जो है 5 क्वेश्चन थे, तो कुछ सेट ऐसे थे ना कि 5 क्वेश्चन करने में आपको मैक्सिमम 2 से 3 मिनट लगेंगे। कुछ मॉडरेट लेवल के थे कि कम से कम अगर 5 क्वेश्चन है तो उसको करने में आपके 6 से 7 मिनट तो लग ही जाएंगे। और कुछ क्वेश्चन हमने इसमें ऐसे भी कराए थे कि 5 क्वेश्चन को करने में आपके कम से कम 20 से 25 मिनट लगेंगे। तो सभी टाइप के क्वेश्चन हमने कराए थे, क्योंकि जामिया में जो है अच्छे लेवल की डीआई आती है। एंड सीवीटी जो है 2022 में पहली बार हो रहा था नए पैटर्न पे, तो कन्फर्मेशन नहीं था किस टाइप के क्वेश्चन होंगे। तो अभी जो है सीवीटी का भी पैटर्न लगभग कन्फर्म हो गया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आएंगे। एएमयू का भी कन्फर्म हो गया है। तो 2023 वाली जो सीरीज होगी ना, इसके जो क्वेश्चन होंगे ये बिल्कुल डिफरेंट होंगे, बिल्कुल आपके पैटर्न पे होंगे। केवल आप इसी को करके चले जाइए, अच्छी प्रैक्टिस हो जाएगी आपकी। नंबर ऑफ क्वेश्चन की अगर बात करें तो लास्ट ईयर सीयूटी एमबीए में 5 क्वेश्चन आया हुआ था। एएमयू एमबीए की बात करें तो इसमें जो है 10 क्वेश्चन आए हुए थे डीआई से। लखनऊ यूनिवर्सिटी की बात करें तो इसमें भी 5 to 10 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, और एयू एमबीए में भी जो है 4 to 5 क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं। अब अगर सीयूटी एमबीए की बात करें तो 2 घंटे का पेपर है, 100 क्वेश्चन है, तो ऑन एवरेज पर क्वेश्चन जो है आपको 1 मिनट मिलेगा। एएमयू में भी 100 क्वेश्चन है, ठीक है, और 2 घंटे का टाइम है, तो इसमें भी जो है आपको ऑन एवरेज 1 मिनट पर क्वेश्चन के लिए मिलेगा। एलयू एमबीए में 100 क्वेश्चन है, टाइम आपको 90 मिनट मिलेगा, तो 1 मिनट से भी कम आपको मिल रहा है पर क्वेश्चन पे। और एयू में क्या है कि 150 क्वेश्चन है और टोटल 120 मिनट है, तो इसमें भी जो है 1 मिनट से कम का आपको टाइम मिल रहा है। तो इस बार हमने डीआई की जो सीट है ना, इसमें चेंजेस कर दी है, क्योंकि लास्ट ईयर अगर देखा जाए तो सीयूटी का पेपर एनटीए कराती है। तो 2022 में 2 शिफ्ट में पेपर हुए थे, दोनों में 5 to 6 क्वेश्चन आए थे टोटल। इसमें 5 क्वेश्चन में 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे थे ना जिसमें पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है, और एक में आपको अगर पेन चलाना भी पड़ेगा तो उसके आंसर जो है मैक्सिमम 40 सेकेंड से 1 मिनट में वो सॉल्व हो जाएगा। और अगर बीएचयू एमबीए की बात करें, 2021 का पेपर, क्योंकि एनटीए नहीं कराया था तो उस टाइम भी जो है नियर अराउंड 10 क्वेश्चन आए थे, और 6 to 7 क्वेश्चन ऐसे थे ना जिसमें पेन चलाने की जरूरत नहीं थी, ठीक है, और 1 2 क्वेश्चन है तो भी आपके 1 मिनट में सॉल्व हो जाएंगे। एएमयू एमबीए में लास्ट ईयर जो है 10 क्वेश्चन आए थे, और किसी भी क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं थी। एलयू एमबीए एंड एयू एमबीए का भी पेपर जो है डीआई का क्वेश्चन जो है सिंपल ही रहता है। इसमें बैंकिंग वाली डीआई आपको सॉल्व नहीं करनी है, क्योंकि लास्ट ईयर जब आप देखेंगे ना टोटल 50 सेट, तो हमने इसीलिए सब उसमें मिक्स करा दिया था कि सिंपल भी कराया था, मॉडरेट भी कराया था, और थोड़ा सा टिपिकल लेवल भी करा दिया था। आप सोचिए अगर 5 क्वेश्चन करने में 20 मिनट लगेगा, ठीक है, तो फिर अंडर टाइम पेपर सॉल्व होगा कैसे, ठीक है। तो ये एक सेट जो है सीमेट में थोड़े से अच्छे लेवल के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, क्योंकि वहाँ 100 क्वेश्चन है और 3 घंटे का टाइम है। जामिया का पैटर्न अच्छा होता है, तो इन केस अगर आप जामिया और सीमेट भी देना चाहते हैं ना, तो 2022 वाली सारी सीरीज आप देख लीजिएगा, ठीक है। 2022 वाले सारे सेट आप सॉल्व कर लीजिए, इनफ है। और ये जो 2023 वाली सीरीज है ना, ये सिर्फ सीयूईटी, एयू, एलयू एंड एएमयू के लिए है, ठीक है। तो इसमें देखिए नियर राउंड जो है 15 से 20 सेट आपको प्रैक्टिस करनी है, और इतना आप कर लीजिए और प्लस प्रीवियस ईयर पेपर कर लीजिए, उसके बाद आप मॉक टेस्ट दे दीजिए, उसके बाद आप डायरेक्ट जाइए एग्जाम देने, कोई दिक्कत नहीं आएगी आपको, ठीक है। बिल्कुल एग्जाम के लेवल के क्वेश्चन को हम प्रैक्टिस कराएंगे। प्रोसेस क्या होगा, ये टोटल जो है नियर अराउंड 5 to 10 क्वेश्चन का सेट 1 दिन पहले हम आपके टेलीग्राम चैनल पर भेज देंगे, वहां से आप उसको सॉल्व करिएगा, और फिर नेक्स्ट डे जो है उसके वीडियो सॉल्यूशन आपको मिल जाएंगे। अगर आप सीयूटी एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो सीयूटी एमबीए का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। एएमयू एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं तो एएमयू एमबीए का टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। डिस्क्रिप्शन में सारे टेलीग्राम चैनल के लिंक जो है ना मेंशन है, तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए, और आप खुद से पहले सॉल्व करिए, और नेक्स्ट डे जो है उसके वीडियो सॉल्यूशन डिस्कस करेंगे। ये देखिए, ये टोटल 10 क्वेश्चन जो है हमने आपको पहले ही शेयर कर दिया था, इसको आपने सॉल्व भी किया होगा। अब चलिए इसके जो है सॉल्यूशन डिस्कस करते हैं। इसमें देखिए क्या दिया गया है कि द फॉलोइंग टेबल शोज द डोमेस्टिक सेल ऑफ स्कूटर बाय द 5 मैन्युफैक्चरर फ्रॉम 88 to 1993, ठीक है। टोटल 5 मैन्युफैक्चर हैं और 5 ईयर का जो है ये डाटा दिया गया है डोमेस्टिक सेल का। अब क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है कि द डोमेस्टिक सेल ऑफ विच मैन्युफैक्चर इज द हाईएस्ट, ठीक है। अब किसका डोमेस्टिक सेल अधिक है, तो आप क्या करेंगे, सबको ऐड करेंगे। इसमें आपको ऐड करने का एक तरीका आप समझिए,
इसको पूरा ऐड करने की जरूरत नहीं है, इसको आप केवल 4 कंसिडर करिए। 440 दिया है ना, 400 बस इसको सपोज करिए, 480 है, 400 सपोज करिए, ठीक है। इस तरीके से ये 520 है ना, 500, तो ये बताइए 3 बार 4 है तो ये कितना हो जाएगा, 12, और ये कितना हो जाएगा, 15, ये कितना हो जाएगा, 2700। ये कितनी, 4 कितनी बार है, 6 बार है, तो ये कितना हो जाएगा, 24, ये कितना हो जाएगा, इधर 9 हो जाएगा, और ये कितना होगा, 12 हो जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा, 21, ठीक है। इसी तरीके से ये कितना हो जाएगा, ये 6 हो जाएगा और ये 12 हो जाएगा, ठीक है। कितना हुआ, 18 हुआ, 18 5 23 हो गया। और इसी तरीके से 4 कितनी बार है, यहाँ पे 6 बार है, तो ये कितना हो जाएगा, 2400। अब आप बताइए कि सबसे अधिक जो है डोमेस्टिक सेल किसका अधिक है, ए का, ये कितना आ रहा है, 2700। अब इसमें ये समझिए कि देखिए हमने कुछ चीजें जो है ना एलिमिनेट कर दी हैं, अप्रोक्स में लिया हुआ है। अब अगर कहीं 2600 होता ना, 26 समथिंग होता, तब हम उसको पूरा ऐड करके उसको जो है ना चेक करते, क्योंकि देखिए ये 480 है लेकिन हमने इसको केवल 400 कंसिडर किया। इस तरीके से ये 430 है, 420 है, लेकिन हमने केवल इसको 400 सोच किया है इसको। तो अगर कहीं 2600 होता ना, तो हम पूरा चेक करते। लेकिन देखिए कुछ ट्रिक है, इसकी वजह से आप अंडर टाइम में, ठीक है, 10 सेकेंड से 20 सेकेंड के अंदर क्वेश्चन कर सकते हैं, और पेन चलाने की जरूरत भी नहीं है, पूरा ऐड करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखिए कितना ज्यादा डिफरेंस है, कोई 25, कोई 26 भी नहीं है, ठीक है। 27 तक तो कोई पहुंच ही नहीं पाएगा, ठीक है। और 26 तब है, ये देखिए 80 यहाँ पे है लेकिन हमने इसको एलिमिनेट किया है, 70 है लेकिन इसको एलिमिनेट किया है। अब इसको ऐड करें तो ये 28 समथिंग हो जाएगा, तो बहुत ज्यादा डिफरेंसेस है, कोई 26 के अराउंड है नहीं। तो सबसे अधिक किसका आ रहा है, ए का आ रहा है, ए को आप टिक कर दीजिए। इस तरीके से जो है इसको आप ऐड किया करिए, क्लोज होता तो पूरा ऐड करने की जरूरत पड़ती, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया है कि व्हाट इज द अप्रोक्स शेयर ऑफ डोमेस्टिक सेल ऑफ स्कूटर ऑफ द मैन्युफैक्चरर बी ड्यूरिंग 1989। देखिए 1989 में बी का सेल कितना है, 410, ठीक है। और टोटल 1989 में टोटल सेल कितना है, 2100, ठीक है। अब इसी को आपको परसेंटेज में क्या करना है, कन्वर्ट कर देना, ठीक है। तो ये बताइए कितना हो जाएगा, 410, और ये कितना हो जाएगा, 21। अब अगर इसको हम 400 सपोज करें और इसको 20 सपोज करें, तो ये कितना आ जाएगा, 20 आएगा। 20 के अप्रॉक्स देखिए कोई आंसर है, ठीक है, 19.5, ठीक है। इसको अगर एग्जैक्ट सॉल्व करेंगे ना, तो ये आ जाएगा 19.5, ठीक है। लेकिन देखिए आप ऑप्शन में जो है ना कितने का डिफरेंसेस है, ठीक है। तो इसको आप अप्रॉक्स लेके सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर कहीं होता 20, फिर कहीं होता 19.78, कहीं 18 होता, तो इसको पूरा सॉल्व करने की जरूरत पड़ती। लेकिन आप देख लीजिए कि 5-5% का जो है ना डिफरेंस है, इसको अप्रॉक्स से सॉल्व कर सकते हैं, ओरली आप इसको सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। तो इसमें आंसर क्या है, ऑप्शन डी। पेन देखिए कहीं चलाने की जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इस क्वेश्चन में देखिए क्या पूछा गया है, इसमें देखिए पूछा गया है कि ड्यूरिंग 1993 द सेल ऑफ विच मैन्युफैक्चरर हैज शोन द मैक्सिमम परसेंटेज इंक्रीज ओवर द प्रीवियस ईयर। अब आप देखिए यहाँ जो है 520 से 510 हो रहा है, यहाँ तो सेल कम हो रही है, तो ये तो होगा नहीं। यहाँ इंक्रीमेंट कितने का है, 10 का है। यहाँ इंक्रीमेंट कितने का है, 75 का है। यहाँ 60 का है, और यहाँ पे कितने का है, 10 का। सबसे अधिक इंक्रीमेंट कहाँ पे है, ऑप्शन सी, तो यहीं पे सबसे अधिक इंक्रीज हुआ है, ठीक है, सी का हुआ है, ऑप्शन सी, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए क्या पूछा गया है कि व्हाट इज द रेशियो ऑफ मिनिमम सेल टू द मैक्सिमम सेल ऑफ स्कूटर ड्यूरिंग 1991। तो 1991 में मिनिमम कितना है, 400, मैक्सिमम कितना है, 500, ठीक है। मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा है, ठीक है, मिनिमम टू मैक्सिमम पूछा है, तो ये कितना हो जाएगा, 4/5, दैट इज 0.8, सिंपल है। ये सब ओरली कर सकते हैं आप, कहीं पेन चलाने की जरूरत ही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। देखिए इसमें क्या दिया गया है, इन रिस्पेक्ट ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग कॉम्बिनेशन द सेल ऑफ स्कूटर इज द हाइएस्ट, ठीक है। देखिए D93 में कितना है सेल, 500 है। A1991 ये कितना है, 500 है। A1993 510 है। A1992 520 है। सबसे अधिक कहाँ पे है, A1992, सिंपल था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इसमें दिया गया है कि दिस क्वेश्चन आर बेस्ड ऑन द गिवन टेबल, ठीक है। मार्केट शेयर इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, ठीक है, और ये प्रोडक्ट है, ये सिटी दिया गया है। दिया गया है कि द मैक्सिमम परसेंटेज ड्रॉप इन द मार्केट शेयर इज, ठीक है, मैक्सिमम परसेंटेज ड्रॉप दिखाना है, डिक्रीज दिखाना है। आप ये बताइए कि ये प्रोडक्ट एचडी प्रोडक्ट है, और बॉम्बे सिटी में ये कितना हो गया, 20 से 15 हो गया है, ठीक है, 5 कम हुआ है, परसेंटेज अभी कैलकुलेट कर लिया जाएगा।
यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे तो इंक्रीज हुआ है, 20 से 25 हो गया है, हमें केवल ड्रॉप देखना है ना। यहाँ पे देखिए 5 डिक्रीज हुआ, ठीक है, यहाँ पे 5 डिक्रीज हुआ, यहाँ पे देखिए 15 हो गया, 30 से 15 हो गया, मतलब हाफ हो गया, मतलब 50% जो है हो गया है, ठीक है। यहाँ पे ऑप्शन देखिए 60% भी दिया गया है, ठीक है, देख लेते हैं कहीं और अधिक भी तो नहीं है ना डिक्रीज। 25 से 35, हाफ तो नहीं हुआ है कहीं, यहाँ पे इंक्रीज हुआ, 5 कम हुआ 5 कम हुआ, यहाँ पे कोई चेंजेस ही नहीं है, इंक्रीमेंट है यहाँ पे, यहाँ पे 5 कम हुआ, यहाँ पे भी 5 कम हुआ। देखिए सबसे अधिक मैक्सिमम परसेंटेज जो ड्रॉप हुआ है वो कितना हुआ है, 50% हुआ है, यही हुआ है 30 से 15, ठीक है। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी ऑप्शन, सिंपल था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है कि द सिटी इन विच मिनिमम नंबर ऑफ प्रोडक्ट इंक्रीज देयर मार्केट शेयर 1993 या 1994, ठीक है, मिनिमम इंक्रीमेंट होना चाहिए। तो आप ये बताइए कि यहाँ पे कितना हुआ है, 5 इंक्रीज हुआ है और यहाँ पे भी 5 इंक्रीज हुआ है, यहाँ तो डिक्रीज ही किया हुआ है, मिनिमम आपको जो है ना देखना है कि कम से कम डिक्रीज हो। यहाँ पे क्या हुआ है, यहाँ पे 15 हुआ है और यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है, यहाँ पे भी इंक्रीमेंट है। फिर यहाँ पे देखिए ये क्या हुआ, 20 से 15 हुआ, 5 कम हुआ, 15 से 10 फिर 5 कम हुआ, यहाँ पे क्या हुआ है, कोई चेंजेस नहीं है, कोई चेंजेस नहीं है, और यहाँ पे भी क्या है, इंक्रीमेंट हुआ है। देखिए इसमें पूछा क्या गया था कि मिनिमम इंक्रीज होना चाहिए, ये देखिए जो दिल्ली सिटी है, यहाँ पे भी कम हुआ, यहाँ पे भी कम हुआ प्रोडक्ट, एचडी भी कम हुआ प्रोडक्ट, सीओ भी कम हुआ, बीएन और एमटी में क्या है, कोई इंक्रीमेंट ही नहीं है। तो सबसे कम अगर कहीं मार्केट शेयर अगर इंक्रीज हुआ है तो कहाँ पे है, दिल्ली में, यहाँ तो कम ही हुआ है और हर जगह कहीं ना कहीं बढ़ा ही है, दिल्ली जो है राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द मार्केट शेयर ऑफ विच प्रोडक्ट डिड नॉट डिक्रीज बिटवीन 1993 एंड 1994 इन एनी ऑफ द सिटी। मार्केट शेयर ऑफ विच प्रोडक्ट डिड नॉट डिक्रीज बिटवीन, ठीक है, तो कोई ऐसा मार्केट है क्या कि जो डिक्रीज ही ना हुआ, ठीक है, यहाँ पे देखिए 1993 में, 1993 एंड 4 में देखिए यहाँ पे डिक्रीज हुआ, यहाँ पे कलकत्ता में भी डिक्रीज हुआ, ठीक है, सारे प्रोडक्ट तो डिक्रीज हुए ही हैं। बीएन की भी बात की जाए, ठीक है, तो देखिए बीएन भी क्या हुआ है, डिक्रीज ही हुआ है, तो कोई ऐसा प्रोडक्ट नहीं है ना जो डिक्रीज ना हुआ, सब डिक्रीज हुए हैं, नन ऑफ दीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच हैड 100% मार्केट शेयर इन 4 मेट्रोपॉलिटन सिटी, 100% मार्केट शेयर तो किसी का नहीं है, ठीक है, सबका कुछ ना कुछ शेयर है ना, तो 100% थोड़ी ना होगा किसी का। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ प्रोडक्ट विच डबल देयर मार्केट शेयर इन वन और मोर सिटीज, मार्केट डबल हो गया हो, मतलब अगर 10 है ना तो 20 हो गया हो, ठीक है, तो ये देखिए ये डबल तो है नहीं, कहीं पे भी डबल वैल्यू आपको दिख रही है, ठीक है, आप डबल बस चेक करिए, 35 है तो 70 हो जाना चाहिए, तभी तो डबल होगा, ठीक है। यहाँ पे एक दिख रहा है 10 से 20, यहाँ पे ध्यान दीजिए 30 से 15, यहाँ इंक्रीमेंट की बात की गई है, डबल हो जाना चाहिए, तो ये डबल हाफ हो गया है, ये अगर 15 से 30 होता तो इसको काउंट करते, तो केवल एक दिख रहा है, डेट इज 10 से 20, तो अगर डबल हुआ है तो सिर्फ एक जगह, ठीक है, ऑप्शन बी, सिंपल था। तो देखिए इस तरीके से ये 10 क्वेश्चन डिस्कस हुआ, लास्ट ईयर ये एएमयू का पेपर है 2022 का, किसी भी क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, और टेलीग्राम पे लास्ट ईयर का पेपर जो है सीवीटी का भी हम भेज देंगे, डीआई का, उसको भी आप एक बार सॉल्व कर लीजिएगा, पहले सॉल्व करिए फिर उसकी वीडियो सॉल्यूशन देखिए। तो लास्ट ईयर ना 2 शिफ्ट में पेपर हुआ था, पहले शिफ्ट में 5 क्वेश्चन थे, दूसरे में 6 क्वेश्चन थे, और इस 5 में से 2 से 3 क्वेश्चन में पेन चलाने की जरूरत नहीं है, पेन फ्री है, ओरल होगा, इसमें भी 3 क्वेश्चन ऐसे हैं जो पेन फ्री है, ओरल होगा, और बाकी जो क्वेश्चन है वो मैक्सिमम 30 सेकेंड से 1 मिनट का टाइम लगेगा, इसी टाइप के क्वेश्चन अब आपको प्रैक्टिस कराएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्लास के लिए डीआई सेट 2 ये पहले से ही हम टेलीग्राम पे शेयर कर देंगे, इसको आप खुद से सॉल्व करिए, एंड देन नेक्स्ट वीडियो में जो है इसके सॉल्यूशन को डिस्कस करते हैं। इस तरीके से टोटल 15 से 20 सेट आप करिए, ठीक है, फिर मॉक वाले जो सेट होंगे उसको कर लीजिए, ठीक है, उसके बाद आप डायरेक्ट एग्जाम देने जाइए, इससे अधिक आपको कुछ पढ़ने की जरूरत नहीं है डीआई में, ठीक है। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।